Good morning. My name is Aarti Gupta, and you're watching my YouTube channel, Education for Kids. Today's topic is from Touchpad Class 7 Computer Book, and the chapter is Chapter 3, Advanced Feature of Excel. Advanced Feature of Excel. In this, we are going to learn about the sorting data, conditional formatting, and filtering of data. Area chart, we have to tell the true and false in this from the previous chapter-based questions. Area chart displays the data trend over period of time. False. False. A chart helps us to represent data pictorial. True. Plot area contains the actual and its components. True. Excel provides 8 categories of chart. False. Excel provides at least 44 types of chart. Now we are moving forward to our chapter. In the previous chapter, you have learned about different types of charts in Excel. In this chapter, you are going to learn how to sort and filter data. You will also learn about conditional formatting. आपने previous chapter में पढ़ा था कि कितने तरह के chart होते हैं Excel में. इस chapter में आप पढ़ने वाले हो कि कैसे हम उस data को sort out करें और filter करें और उसके बाद उसकी conditional formatting भी करें. Sorting data. Every day you deal with lot of data. हर दिन हम बहुत सारे data से deal करते हैं. It is easier to work with sorted data. ये आसान हो जाता है sorted data के साथ काम करना. Sorting का मतलब basically क्या होता है? जैसे हमारी अलमीरा अगर बहुत ज्यादा गंदी हो या उसमें चीजें unorganized ढंग से रखी हैं, तो अगर हम उसको ऑर्गेनाइज ढंग से रखें, छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा, तो हम अलमारी को क्या कर रहे हैं? सॉर्ट आउट कर रहे हैं. तो सेम एज डाटा, सॉर्टिंग ऑफ डाटा मींस टू ऑर्गेनाइज द डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर. डाटा को या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट आउट करना, ऑर्गेनाइज करना मतलब होता है सॉर्टिंग करना. Excel allows you to sort both numeric and textual data. Excel आपको allow करता है कि आप numeric data as well as textual data sort out करें. Numeric means 1, 2, 3, 4 data and textual data जैसे A, B, C या कोई भी alphabetical order data. You can sort the data according to a particular column as well as range of data. आप इस data को particular column के हिसाब से या जो सेल की रेंज है उसके हिसाब से भी डाटा को सॉर्ट आउट कर सकते हैं. टू सॉर्ट डाटा फॉलोस दी स्टेप्स. डाटा को सॉर्ट आउट करने के लिए हमें इन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा. सेलेक्ट फर्स्ट स्टेप. सेलेक्ट ए कॉलम और रेंज ऑफ डाटा टू बी सॉर्टेड. इन दिस केस वी हैव सेलेक्टेड द रेंज A3 D8. सो व्हाट वी हैव डन, पहले स्टेप में हमने या तो कॉलम या रेंज जो हमें सॉर्ट आउट करनी है उसको सेलेक्ट कर लेंगे. इस केस में हमने सेलेक्ट करा है आपका रेंज. स्टेप टू, क्लिक ऑन द सॉर्ट एंड फिल्टर कमांड फ्रॉम एडिटिंग ग्रुप अंडर द होम टैब. होम टैब में आपका एडिट ग्रुप है, उसके अंदर सॉर्ट एंड फिल्टर कमांड को आपको क्लिक करना है.
Click on sort A to Z for text or sort smallest to largest for numbers. अगर आप टेक्स्ट के लिए करते हैं तो आपको क्या करना है A to Z, और अगर आप नंबर्स के लिए करते हैं तो सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये आपका होम टैब है, यहाँ आपका ये एडिटिंग ग्रुप है, उसके अंदर आपका ये सॉर्ट एंड फिल्टर है जो आप ड्रॉप डाउन से करेंगे तो आपका ये ओपन हो जाएगा। The selected data will be sorted according to the name in ascending order. अब जो भी डाटा आप सेलेक्ट करेंगे, सपोज करो अगर आपने नेम का ये कॉलम सेलेक्ट करा है तो ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट आउट हो जाएगा। मीन सबसे पहले ए आएगा, ए के बाद एबीसीडी में जो भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर आते हैं उसके अकॉर्डिंगली आपका डाटा सॉर्ट आउट हो जाएगा, जैसे आपके स्कूल के रजिस्टर्स में होता है, अटेंडेंस रजिस्टर में होता है। कस्टम सॉर्टिंग, इन केस मोर देन वन कॉलम आर टू बी सॉर्ट आउट इन सच अ वे दैट फर्स्ट कॉलम इज इन असेंडिंग ऑर्डर एंड इफ सम डाटा इज सेम फॉर मोर देन वन रो देन सेकंड कॉलम ऑफ सच रो गेट सॉर्टेड इन डिसेंडिंग ऑर्डर। कस्टम सॉर्टिंग में मोर देन वन कॉलम मीन्स कि अगर हमारा एक से ज्यादा कॉलम सॉर्ट आउट है सच अ वे में इस तरह कि फर्स्ट कॉलम अगर हमारा असेंडिंग ऑर्डर में है एंड इफ सम डाटा इज सेम फॉर मोर देन वन रो, और अगर सेम डाटा हमारा एक से ज्यादा रो में है देन जो सेकेंड कॉलम होगा वो रो अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएगी डिसेंडिंग ऑर्डर में। You can do this in Excel using custom sort. और हम इसको कैसे कर सकते हैं Excel में, custom sort की help से। To use custom sorting, follow these steps. Custom sorting के लिए हमें ये steps follow करने पड़ेंगे। Same है home tab में, edit group में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर A to Z sort and filter है, आप ड्रॉप डाउन एरो क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कस्टम सॉर्ट आपको मिल जाएगा। सेलेक्ट द रेंज ऑफ द कॉलम टू बी सॉर्टेड, क्लिक ऑन द सॉर्टेड फिल्टर एंड कमांड फ्रॉम द एडिटिंग ग्रुप अंडर होम टैब, ए ड्रॉप डाउन लिस्ट अपीयर्स, क्लिक ऑन द कस्टम सॉर्ट ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट। हमें सेम प्रोसीजर अप्लाई करना है, हमने पहले वाले में जो सॉर्टिंग डाटा करा था उसमें फर्स्ट ऑप्शन यूज करी थी सॉर्ट ए टू जेड, ascending or descending वाली। Check my data had headers checkbox if the selected column have a heading at the top। अगर हमारे जो अगर हम डाटा को चेक करेंगे कि हमारे वो डाटा headers checkbox में हो और हमारा जो selected columns है उसकी heading कहाँ आ जाएगी, top पर। Click on the sort by box and select the column header according to which you want to sort the data। और हम क्या करेंगे, फिर क्लिक करेंगे सॉर्ट बाय बॉक्स पर और सेलेक्ट करेंगे कॉलम हेडर को अकॉर्डिंग टू द सॉर्टिंग ऑफ डाटा। इन दिस केस वी हैव सेलेक्टेड क्लाइंट नेम हेडर, इस केस में हमने क्या करा है क्लाइंट नेम हेडर को सेलेक्ट करा है। क्लिक ऑन सॉर्ट ऑन बॉक्स एंड सेलेक्ट सेल वैल्यूज ऑप्शन, हम सॉर्ट ऑन बॉक्स पे क्लिक करेंगे और सेल वैल्यूज ऑप्शन पे जाएंगे। Click on the order box and select A to Z or Z to A option. हम order box पे जाएंगे और select करेंगे A to Z option या Z to A option. In this case, we have selected A to Z option. इस case में हमने select करी है A to Z option, means ascending option. Click on add level button at the top of the sort dialog box to add another column to sort. अब हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे एड लेवल बॉक्स पे टॉप पर सॉर्ट डायलॉग बॉक्स के और अनदर कॉलम को सॉर्ट आउट कर देंगे। इन दिस केस वी हैव एडेड अमाउंट बिल्ड कॉलम, इस केस में हमने क्या करा है अमाउंट बिल्ड कॉलम को ऐड किया है। क्लिक ऑन ओके बटन, अब आप क्या करेंगे ओके बटन पे क्लिक करेंगे, सॉर्ट पे जाएंगे, यहाँ पर ए टू जेड ऑप्शन आएगा, उसके बाद ओके करेंगे, फिर सॉर्ट करेंगे, यहाँ पर अगर आप देखेंगे सॉर्ट बाय क्लाइंट नेम देन बाय अमाउंट बिल्ड, सेल की वैल्यूज डालेंगे, ऑर्डर करेंगे ए टू जेड,
या जेड टू ए जो भी आपको ऑर्डर करना है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट. अगर ए टू जेड कर रहे हैं तो स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, अगर जेड टू ए कर रहे हैं तो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट. देन यू हैव टू क्लिक ऑन ओके. द डाटा विल बी सॉर्टिंग अकॉर्डिंग टू द क्रिटीरिया डिफाइंड. डाटा वैसे ही सॉर्ट आउट हो जाएगा जैसे आपने क्रिटीरिया उसके अंदर डाला है. यू मस्ट हैव फिल्टरिंग डाटा, डाटा को फिल्टर करना. You must have studied about filtration process, which is used to separate unwanted material from a mixture. हमने filtration science में भी पढ़ा है. Filtration का process उस काम आता है जब हम separate करना चाहते हैं कोई unwanted material अपने mixture से. Excel also allows you to filter unwanted data from a set of data. Excel भी हमें allow करता है कि आप अपना डाटा को फिल्टर कर सकते हैं. टू अप्लाई फिल्टर, फिल्टर को अप्लाई करने के लिए फॉलो दी स्टेप्स, इन स्टेप्स को फॉलो करें. स्टेप वन, सेलेक्ट द रेंज ऑफ कॉलम टू बी फिल्टर. हमें सबसे पहले सेलेक्ट करनी पड़ेगी रेंज जो भी हमें उस फिल्टर करनी है. क्लिक ऑन सॉर्ट एंड फिल्टर कमांड फ्रॉम एडिंग ग्रुप अंडर होम टैब. होम टैब में एडिटिंग ग्रुप है, उसके अंदर सॉर्ट एंड फिल्टर कमांड पर जाएंगे. ए ड्रॉप डाउन लिस्ट अपीयर्स, वहां पर ड्रॉप डाउन लिस्ट अपीयर हो जाएगी. क्लिक ऑन फिल्टर ऑप्शन फ्रॉम ड्रॉप डाउन लिस्ट. और यहां पर हम होम टैब पे गए, एडिटिंग ग्रुप पर गए, यहां पे ए टू जेड सॉर्ट एंड फिल्टर पे गए, और यहां पे अब हमने किसकी ऑप्शन सेलेक्ट करी है, फिल्टर की. यू विल नोटिस दैट Small arrows appear in front of all column headers. आप यहाँ पर देखेंगे कि इस जगह यहाँ पर छोटे छोटे drop down small arrows create हो गए हैं इस तरह. Click on the arrow in front of the header marks obtained in second term. आपको क्या करना है कि आपको click करना है header marks को जो आपके second term में obtain हुए हैं. A drop-down list appear. Drop-down list appear हो जाएगी. You will notice that all the entries in the column are present in the list. अगर आप देखेंगे यहाँ पर कि जितनी भी entry हैं, वो इस column list में भी हैं. With small checkbox in the beginning. Small checkbox means right का निशान लगा हुआ है. Click some of the checkbox to uncheck them. हम क्या करेंगे? Some box को click करेंगे. To uncheck them, कि means right का निशान हटा देंगे. Click on okay button. अब हम क्या करेंगे? Okay button पर click करेंगे. You will notice that row of unchecked data removed from the list. जो भी हमने टिक के निशान उस रो से selected रो से हटाए थे वो अब क्या हो गए हैं? हमारे डाटा से रिमूव हो गए हैं. You need not to worry as the data is not lost. आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि आपका डाटा उड़ गया. The unchecked row have just been hidden from the display. तो क्या हुआ है? जो आपने right का निशान हटाया था, वहाँ से just वो आपकी list से hide हो गए हैं, छुप गए हैं. To get back data, open the filter drop-down list again and check the unchecked entry. अब क्या करना है हमें? अगर हम चाहते हैं कि हमारे वो वापस filtered आ जाएं, तो हम वापस अपने data पे जाएंगे, filter drop button पे जाएंगे, उसको राइट का निशान लगाएंगे उन पर, तो वो वापस डाटा आपका आ जाएगा. एक्सेल अलाउज यू टू यूज कस्टम फिल्टर. एक्सेल हमें अलाउ करता है कि हम कस्टम फिल्टर को भी कर पाए. सपोज यू वांट टू नो द नेम ऑफ द स्टूडेंट हु एक्सेल आल्सो अलाउज यू हु हैव स्कोर्ड मोर देन 80 मार्क्स इन सेकेंड टर्म. सपोज करो कि आप ऐसे बच्चे का नाम जानना चाहते हो जिसने 80 मार्क्स स्कोर करे हैं अपने सेकंड टर्म में. फॉलो दी स्टेप्स टू गेट द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन. अब फॉलो करेंगे हम कि कैसे हमें वो मिले. स्टेप वन, अप्लाई फिल्टर टू द डाटा. सबसे पहले हम अप्लाई क्या करेंगे? फिल्टर डाटा पे. क्लिक ऑन मार्क्स ऑब्टेन्ड इन सेकंड टर्म. व्हाटसोएवर द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द सेकंड टर्म, हेडर टू ओपन द फिल्टर ड्रॉप डाउन लिस्ट. और हम इस ड्रॉप डाउन लिस्ट पे क्लिक कर देंगे. Place your mouse over the number filters option. अब हम क्या करेंगे?
a sub menu opens. Number filters option पे जाएंगे, यहाँ पे एक sub menu इस तरह का ये open हो जाएगा. Select the greater than option. और हमने किस पे सेलेक्ट कर लिया, फिर ग्रेटर देन ऑप्शन पे सेलेक्ट कर लिया. द कस्टम ऑटो फिल्टर डायलॉग बॉक्स अपीयर, और कस्टम फिल्टर डायलॉग बॉक्स आपका अपीयर हो जाएगा. यहाँ पर ये अगर आप देखेंगे कस्टम ऑटो फिल्टर बॉक्स ऐसे आ जाएगा. इज ग्रेटर देन मार्क्स ऑब्टेन इन द सेकेंड टर्म इज ग्रेटर देन 80. अगर हम एंटर करते हैं एंटर 80 इन द क्राइटेरिया बॉक्स एंड क्लिक ओके बटन, तो क्या होगा, आपके जो भी मार्क्स जिसने भी 80 से ज्यादा ऑब्टेन करे होंगे वो आपको लिस्ट में दिखाई देने लग जाएंगे और बाकी सारी लिस्ट आपकी छुप जाएगी. नोटिस दैट ओनली द डिटेल्स ऑफ द स्टूडेंट हु हैव ऑब्टेन मार्क्स ग्रेटर देन 80 आर डिस्प्लेड एंड द रिमेनिंग रो रिमेन हिडन. तो क्या होगा, जिस किसी भी स्टूडेंट्स के 80 मार्क्स से अबव आए होंगे वो आपको डिस्प्ले में दिखाई देंगे और जो भी आपकी रो रिमेनिंग रो है वो आपकी हाइड हो जाएगी. रिमूविंग फिल्टर्स, अब हमने फिल्टर्स तो लगा दिए, अब उसको रिमूव कैसे करेंगे. द फिल्टर वंस अप्लाइड कैन बी रिमूव्ड इजीली. अगर हम फिल्टर्स को लगा देते हैं तो उसको आसानी से हटा भी सकते हैं. क्लिक एनी वेयर इन द वर्कशीट एंड रिपीट स्टेप्स टू अप्लाई फिल्टर. हम कहाँ पे क्या करेंगे, कहीं पे भी वर्कशीट के क्लिक करेंगे और रिपीट करेंगे स्टेप्स अप्लाई फिल्टर के. यू विल नोटिस दैट द फिल्टर एरो इन फ्रंट ऑफ द कॉलम हेडर डिसअपियर एंड द हिडन रो ऑल्सो रीअपियर. और हम क्या देखेंगे कि जो भी हमने फिल्टर एरोस थे फर्स्ट कॉलम हेडर में फ्रंट कॉलम हेडर्स में वो क्या हो जाएंगे, डिसअपियर हो जाएंगे और जो हिडन रो है वो वापस दिखने लग जाएगी. कंडीशनल फॉर्मेटिंग, सपोज यू डोंट वांट टू हाइड एनी रो बट स्टिल वांट टू हाईलाइट ऑल द सेल्स दैट सेटिस्फाई ए कंडीशन फॉर एग्जांपल ग्रेटर देन 80. आप ये चाहते हैं कि आपकी रो हाइड ना हो बल्कि वो क्या हो जाए, हाईलाइट हो जाए, जिससे हमें ये पता लग जाए कि इतने सारे बच्चों में 80 मार्क्स से अबव कितने कितने बच्चों के आए. दिस टाइप ऑफ फॉर्मेटिंग इज नोन एज कंडीशनल फॉर्मेटिंग इन एक्सेल. इसी को हम कहते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग एक्सेल में. टू अप्लाई कंडीशनल फॉर्मेटिंग टू ए सीरीज ऑफ डाटा फॉलोज दीज स्टेप्स. अगर हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग सीरीज ऑफ डाटा में अप्लाई करनी है तो हमें इन स्टेप्स को करना होगा. फर्स्ट स्टेप, सेलेक्ट द डाटा टू विच फॉर्मेटिंग इज टू बी अप्लाइड. सबसे पहले तो हमें डाटा ही चाहिए जिसपे हम ये फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे. सेकेंड स्टेप, क्लिक ऑन कंडीशनल फॉर्मेटिंग कमांड फ्रॉम स्टाइल ग्रुप अंडर द होम टैब. अब यहाँ पे कहाँ पर है, होम टैब पे स्टाइल ग्रुप पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग है. अ ड्रॉप डाउन लिस्ट अपीयर, दिस लिस्ट शोज वेरियस क्राइटेरियाज लाइक, और यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन लिस्ट अपीयर हो जाएगी और ये आपको बहुत सारे क्राइटेरियाज दिखाएगी लाइक दिस. होम टैब पे आपको जाना है स्टाइल ग्रुप पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे. अगर आप ये देखेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे क्राइटेरियाज दिखा दिए गए हैं. फर्स्ट है हाईलाइट सेल रूल्स. दिस ऑप्शन इज सेलेक्टेड व्हेन यू वांट टू हाईलाइट ऑल सेल्स सेटिस्फाइंग ए गिवन कंडीशन. हम सपोज करो ग्रेटर देन 80 हमने सेलेक्ट कर रखा है तो ये सेल्स उन सेल्स को हाईलाइट कर देंगे जिन पे भी ये कंडीशन अप्लाई होगी. व्हेन यू हैव द माउस पॉइंट ओवर दिस ऑप्शन इट ओपन्स ए सब लिस्ट showing greater like criteria like greater than less than equal to between etc. जब भी आप अपना माउस पॉइंटर इन ऑप्शंस पे लाएंगे तो ये सब लिस्ट शो करेगी जिसके अंदर क्या क्या क्राइटेरियाज होंगे, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू और बिटवीन का. टॉप बॉटम रूल, दिस ऑप्शन इज सेलेक्टेड व्हेन यू वांट टू हाईलाइट सम टॉप और बॉटम नंबर
ऑफ डाटा इन सीरीज। अगर आप सेलेक्ट करेंगे टॉप और बॉटम डाटा सीरीज में तो ये आपका रूल अप्लाई होगा। व्हेन यू होवर द माउस पॉइंटर ओवर दिस ऑप्शन इट ओपन्स ए सब लिस्ट शोइंग क्राइटेरिया लाइक टॉप 10 आइटम्स, टॉप 10%, बॉटम 10 आइटम्स, बॉटम 10% एक्सेट्रा। अगर आप माउस को इन पे लाते हैं, इन पॉइंटर्स पे लाते हैं, तो ये क्या आपकी सब लिस्ट शो करेगी, टॉप 10 आइटम्स या टॉप बॉटम आइटम्स, टॉप 10% आइटम्स एंड बॉटम 10% आइटम्स। डाटा बार्स, दिस ऑप्शन इज सेलेक्टेड व्हेन यू वांट टू ऐड डाटा बार्स टू द सेल हैविंग न्यूमेरिक डाटा। ये तब यूज होगा जब आपके सेल में क्या होंगे, न्यूमेरिक डाटा होंगे। व्हेन यू होवर द माउस पॉइंटर ओवर दिस ऑप्शन इट ओपन्स ए सब लिस्ट showing bar of different types and colors that are added to the cell. जब आप अपना माउस पॉइंट इस पर लाएंगे तो ये क्या करेंगे, आपको सब लिस्ट शो करेंगे जिसके अंदर डिफरेंट टाइप्स और कलर्स के सेल्स होंगे जो एडेड हुए होंगे। कलर स्केल्स, दिस ऑप्शन इज सेलेक्टेड व्हेन यू वांट टू ऐड कलर स्कीम टू ऑल सेलेक्टेड सेल्स स्लोली वेयरिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम आइटम्स। इसमें क्या होगा, आप जब कलर स्कीम ऐड करते हैं, सपोज करो आपने ऐड करा कि जो लोअर मार्क्स हैं उसको ग्रीन कलर मिल जाए, जो मिडल मार्क्स हैं उनको पिंक कलर मिल जाए, जो हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन करा हुआ है उसको रेड कलर मिल जाए, तो ये क्या करेगा, आपके डाटा के हिसाब से कलर्स की स्कीम्स को वेरी करेगा। व्हेन यू होवर द माउस पॉइंटर ओवर दिस ऑप्शन इट ओपन्स ए सब लिस्ट शोइंग डिफरेंट कलर वेरिएशन दैट कैन बी एडेड टू सेल। और ये आपको जब आप अपना माउस पॉइंटर इस पे लाएंगे तो ये आपको शो करेगा वेरियस कलर वेरिएशन जो आप सेल में ऐड कर सकते हैं। आइकॉन सेट, दिस ऑप्शन इज सेलेक्टेड व्हेन यू वांट टू ऐड आइकन्स सेट्स टू शो विच सेल आर एक्सेप्टेबल, विच आर मॉडरेट एंड विच नीड अटेंशन। सपोज करो बच्चा बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है तो उस पर कम ध्यान देंगे, बच्चा मीडियम इंटेलिजेंट है उस पर थोड़ा और ज्यादा ध्यान देंगे, और बच्चा जो बहुत ज्यादा कमजोर है उस पर बहुत ज्यादा ध्यान देंगे। तो सेम एज आइकन सेट आपका क्या करता है कि हमें आइकन ऐड करने देता है टू शो, हमें शो करता है कि कौन सा सेल एक्सेप्टेबल है, कौन सा सेल मॉडरेट है और कौन से सेल को ज्यादा अटेंशन की जरूरत है। The different type of icon set that can be added are shown in the sublist that opens when the mouse point is hovered upon this option. जब आप यहाँ पर जाएंगे अपने माउस पॉइंटर को लेके तो आपके आइकन सेट आपको ये चीजें दिखा देंगे। स्टेप 3, सेलेक्ट द डिजायर्ड कंडीशनल फॉर्मेटिंग। इन दिस केस वी हैव सेलेक्टेड द ऑरेंज डाटा बार ऑप्शन अंडर द डाटा बार कैटेगरी। हमने ऑरेंज डाटा बार को सेलेक्ट करा है अंडर कौन से कैटेगरी के, डाटा बार कैटेगरीज के। द सेलेक्टेड कंडीशनल फॉर्मेटिंग इज अप्लाइड टू द सेलेक्टेड सेल रेंज। और अब क्या हुआ है, जो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग है हमारी अप्लाइड हुई है कहां पर, जिन सेल्स को हमने सेलेक्ट किया है। यू कैन ऑल्सो डिफाइन योर ओन रूल फॉर हाईलाइटिंग सेल by selecting new rule option from conditional formatting drop down list. आप ये नहीं कर सकते कि जो इसके अंदर दे रखा है सिर्फ आप उसी को conditional formatting करें, आप अपने new rule options में जाके भी conditional formatting को set कर सकते हैं। The conditional formatting features apply to the data range can be cleared by selecting clear rule option from the conditional formatting drop down list. अब जो भी हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग करी है अगर हमको उसको हटाना है तो हम सेलेक्ट करेंगे क्लियर रूल ऑप्शन को, और जो भी आपकी कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपने यूज करी है वो आपकी क्लियर हो जाएगी। फ्रीज स्पैन्स फीचर्स आल्सो यू टू लॉक योर कॉलम रो सो दैट व्हेन यू स्क्रॉल डाउन और अप टू व्यू द रेस्ट ऑफ योर शीट द लॉक कॉलम रो रिमेन ऑन द स्क्रीन। तो फ्रीज स्पैन मतलब जो भी आपकी ये जो ये सपोज करो ये कॉलम है, अगर मैं इसको फ्रीज कर देती हूँ तो ये लॉक हो जाएगा आपका, जब आप स्क्रॉल करेंगे अपनी स्क्रीन को अप एंड डाउन तो आपका जो लॉक कॉलम है या रो है
वो आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई देगा. द अर्लीस्ट डाटा डेट अलाउड फॉर कैलकुलेशन इन एक्सेल इज जनवरी 1, 1900. तो जो अर्लीस्ट डाटा डेट थी आपकी जो अलाउ करती थी कैलकुलेशन एक्सेल पे वो थी जनवरी 1, 1900. इफ यू नीड 1 सेकेंड टू फिल आउट 1 सेल इट वुड टेक यू 5, 4, 5 ईयर्स टू कंप्लीट द होल वर्कशीट. अगर आप 1 सेकेंड भी लगाते हैं एक सेल को फिल करने के लिए तो आपको कितने ईयर्स लगाएंगे? 545 ईयर्स लग जाएंगे पूरी शीट को कंप्लीट करने के लिए भी. लेट अस रिकॉल बैक. सॉर्टिंग डाटा मींस टू ऑर्गेनाइज द डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर. सॉर्टिंग डाटा का मतलब या तो हम असेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हैं उसको या हम डिसेंडिंग ऑर्डर में. कस्टम सॉर्टिंग इज यूज्ड टू अप्लाई सॉर्टिंग on more than one column in selected range or different criteria. Custom sorting हमारा कहाँ use होता है? Apply होता है sort करने में एक से ज़्यादा column select करने में different criteria को. The filters can be easily applied and removed according to the user requirements. जो भी हम filters लगा रहे हैं वो हम remove भी कर सकते हैं अपनी requirement के लिए. Conditional formatting can be applied on the basis of different criteria. Conditional formatting हम apply कर सकते हैं different different criteria के लिए भी. Question answers and exercise will be uploaded soon. If you like the way as I am teaching, so like and subscribe my YouTube channel Education for Kids. Thank you so much.